बिहार में मछलियों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी तरह की मछलियों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। बिहार सरकार ने फॉर्मलिन पाए जाने की खबर के बाद बाहर से आयात की जाने वाली मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस मामले की जांच के लिए बिहार के अधिकारियों का 5 सदस्यीय दल अभी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र गई टीम ने जांच के बाद बाहर से आयात की जाने वाली मछलियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। पूर्व रक्षा मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जॉर्ज के अंतिम संस्कार में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यालय में आयोजित शोक सभा के दौरान सीएम नीतीश फफक फफक कर रो पड़े थे। आपको बता दें कि फर्नांडिस अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित थे, जिस कारण वो पिछले कई सालों से सार्वजनिक जीवन से दूर थे। हाल में उन्हें स्वाइन फ्लू भी हो गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पटना में सब्जी का रिटेल आउटलेट खोलने का मामला फिलहाल लटक गया है। आउटलेट के लिए जमीन मिलने में हो रही देरी को देखते हुए तत्काल सरकार ने डोर टू डोर सब्जी बेचने का फैसला किया है। सहकारिता विभाग इस कोशिश में लगा हुआ है कि 15 फरवरी से बिक्री शुरू हो जाए। सब्जी पूरी तरह से जैविक होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 5 जिलों पटना, बेगूसराय, नालंदा, वैशाली और समस्तीपुर में इसका काम शुरू हुआ है। पटना में डोर टू डोर सब्जी बेचने के लिए 12 मोबाइल वैन और 111 ठेले रहेंगे। राज्य में पिछले साल ही सुधा दूध की तरह सब्जी बेचने की कवायद चल रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहकारिता विभाग ने इसके लिए अपने बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश लाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। पासवान ने यह भी कहा है कि वो खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेगी और उसके अनुरूप कदम उठाएगी। ये मामला यहीं बंद हो जाता है और ऐसे में कोई अध्यादेश या संसद में कानून लाने का सवाल ही नहीं उठता। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता के रिजल्ट पर सवाल उठाया है। 8 जनवरी को परीक्षा फल प्रकाशित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। पत्र में उन्होंने सीएम से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि उक्त परीक्षा में 17,610 परीक्षार्थियों में से मात्र 1100 ही छात्र सफल हुए। इसमें आरक्षित वर्ग के सिर्फ 113 अभ्यर्थी हैं। पत्र में उन्होंने एक समाचार पत्र में छपी खबर का भी उल्लेख किया है। पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कुल परीक्षार्थी का कम से कम 10% सफल होना चाहिए। इस हिसाब से ये संख्या 1761 होती है। रिजल्ट राज्य के न्यायिक सेवा में आरक्षित वर्ग के न्यूनतम प्रतिनिधित्व को दुरुस्त करने की दिशा में किए गए प्रयास को विफल कर रहा है। ऐसी शिकायत तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में सीएम नीतीश कुमार से की है।